हेलो, आई एम बैक। कल का एपिसोड आप लोगों ने देखा होगा। पहली बार मेरे पास में एक बहुत ड्रामेटिक सीन आया था जनक दरबार में, जिसमें मैं कुछ इस तरह कहता हूं कि बस महाराज बस, लज्जाजनक और अनुचित आरोप लगाने से पहले आपको यह याद नहीं आया कि आपकी सभा में रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी बैठे हैं। आप लोग जानते हैं कि इस शूटिंग को करने के लिए मैं उमरगांव सवेरे बॉम्बे से 4 बजे की निकला और पहुंच गया, और मैंने सागर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मुझे आज जल्दी छोड़ देना, क्योंकि बॉम्बे में मेरी दूसरी शूटिंग थी जो मैं छोड़ के आया था, और दूसरे दिन सवेरे मुझे वो शूटिंग अटेंड करनी थी। बहुत अच्छे बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत हेलीकॉप्टर और दुनिया भर का टिम टाम था, परंतु अनफॉर्चुनेटली ये शूटिंग जनक वाले सीक्वेंस की करते हुए रात का 3 बज गया। हालांकि मेरा काम 1 घंटे का था, और 3 बजे रात को मैं शूटिंग से निकला। आप सोच लीजिए कि मैं प्रैक्टिकली 24 घंटे नहीं सोया था। रास्ते में हाईवे पर मुझे पता भी नहीं चला कब मेरे को नींद आ गई, ड्राइव करते करते। और जब मेरी आंख खुली तो मैं अपनी गाड़ी के साथ एक खेत में था, और दूर मुझे हाईवे नजर आ रहा था। आप सोचिए कि कितना बड़ा मेरे साथ में हादसा हो सकता था, एक्सीडेंट हो सकता था। ये भगवान की कृपा है और मेरे अपनों का आशीर्वाद है, इससे मुझे खरोंच भी नहीं आई, यहाँ तक कि गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ। और गाड़ी भी स्टार्ट हो गई और मैं स्टार्ट करके उसको हाईवे पर लेके आया। फिर बाद में मैं किसी रेस्टोरेंट में गया, वहाँ पे मैंने मुँह हाथ धोया, फ्रेश हुआ, उसके बाद में मैं आगे ड्राइव की और करीब 8 बजे मैं मुंबई पहुंच गया और यहाँ पे शूटिंग अटेंड की। मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि जान है तो जहान है, कभी भी इस तरह का जो मैंने रिस्क लिया है ना लें।